नमस्कार, ये आपका अपना भारत लाइव है और गेम बड़ा है। मैं हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर के आए हैं जो आने वाले बिहार और देश की राजनीति को बहुत प्रभावित करने वाला है। लगातार बिहार में चुनाव को लेकर के 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2025 की भी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इस बीच में कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं, कई ऐसे बयान आ रहे हैं जिन बयानों को लेकर के ये कहना मुश्किल हो जा रहा है कि आखिर ये राजनीति और 2024 का चुनाव बैठेगा किस करवट। नीतीश और लालू प्रसाद की जो नई जोड़ी बनी है, इस जोड़ी में कितना प्रेम है और कितना जुड़ाव है ये आप बयानों से पता लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो INDIA गठबंधन बना है, उस गठबंधन को लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव को लेकर के कहा यह जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ये INDIA गठबंधन अपनी श्रेष्ठता साबित करेगा और 2024 के चुनाव में अपनी सरकार बनाएगा। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल उलट होता नजर आ रहा है। कांग्रेस किसी को भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में INDIA गठबंधन के अन्य घटक दल जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवार उतारना शुरू कर चुके हैं। पहले अखिलेश यादव, उसके बाद से अब नीतीश कुमार भी धड़ाधड़ अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या यही गठबंधन 2024 में नरेंद्र मोदी और NDA गठबंधन को सत्ता से बेदखल करेगा? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे संपादक नमन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें क्या नीतीश कुमार का इन 5 राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारना सही है या फिर ये रणनीति के तहत हो रहा है। सबसे पहले नमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बाबा, आपने एक बात कही कि क्या ये इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएगा। जी, तो अगर ये नहीं देगा तो कौन देगा? जी, दूर दूर तक तो कोई और नजर नहीं आ रहा है। जी, ये इंडिया गठबंधन ही इसीलिए बना है क्योंकि सभी ने अपने स्तर पर कोशिश करके देख ली। जी, राज्यों में तो भाजपा को आप जातीय समीकरणों में बांधकर रोक सकते हैं, लेकिन जब आप केंद्र में चुनौती देने जाते हैं तो वहां जिन निकल जाता है। निश्चित तौर पर ये लालू यादव की रणनीति का ही हिस्सा है। नीतीश कुमार बस इसका श्रेय लेना चाहते हैं। जो 2015-16 में लालू यादव ने एक समीकरण दिया था, आप ही बताइए क्या उस समीकरण से अलग इस इंडिया गठबंधन कुछ हुआ है क्या? नहीं। जो लालू यादव के समीकरण पर ये सब तैयार नहीं हुए थे तब, आज इन सब की मजबूरी हो गई है कि अगर अब नहीं एक होंगे तो भाजपा तो कह रही है कि राज्यों से भी खत्म कर देंगे, छोटी पार्टियों को भी खा जाएंगे। ऐसे में अब आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है। अगर कांग्रेस जैसे दल के छत्र छाया में उसके बरसाती के नीचे नहीं आएंगे ये लोग, ये सब पिघल जाएंगे, बह जाएंगे, मोदी और भाजपा इन्हें समाप्त कर देगी। राज्यों में अगर चुनावी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं कर पाएगी तो बैकडोर से करेगी। महाराष्ट्र एग्जाम्पल है, असम एग्जाम्पल है, कई राज्यों में अपने ही गठबंधन के घटक दलों के, चाहे जदयू का मुक्त भोगी रहा है, विधायकों को तोड़ देती है भाजपा। जी, मुंबई में एग्जाम्पल इसका दिया था उसने। तो निश्चित तौर पर भाजपा से लड़नी है तो भाजपा की रणनीतियों पर ही काम करना होगा। नमन जी, आखिर लड़ाई जो आप बता रहे हैं, ये लड़ाई अलग अलग खेमे में बढ़ करके कैसे लड़ी जा सकती है? आप देख रहे होंगे 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इसे सेमीफाइनल बताया जा रहा था, लेकिन अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के घटक दल। जी नहीं, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही बाबा कि लड़ाई तो इन्हें लड़नी है। जी, लेकिन क्या ये उस लायक हैं? जी, क्या इनमें आपसी सामंजस्य उस तरीके का है? तो देखिए, मैं इसका कोई स्पष्ट अगर जवाब मैं दे दूंगा तो बहुत लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे। जी, हमारा काम किसी को डिमोरलाइज नहीं करना है, बल्कि कमजोर विपक्ष को ही मजबूत रखना है ताकि एक अंकुश बना रहे केंद्र की सत्ता पर बैठे हुए लोगों पर। अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा नहीं हो रहा है। कई ऐसे दर्शक हैं जो पंचनामा में नए आते हैं तो वो विशेष तौर पर 1-2 दिनों में बना लेते हैं अपनी प्रतिक्रिया के, आप घुमा फिरा कर सरकार की ही बुराई करते हैं। जबकि यही लोग, मुझे बिहेवियर पैटर्न दिखता है यूट्यूब पर, यही लोग चाइनीज मीडिया को फॉलो करते हैं,
ताकि केंद्र की सरकार का दिन भर पानी पीकर विरोध किया जा सके जी। और इन्हें जब अपनी सरकार बिहार में समझ में आया था कि कौन किसका सपोर्टर है जी। अब अपनी सरकार का विरोध करने वाला पत्रकार अच्छा नहीं लगता है। हम तो किसी चाइनीज मीडिया की तरफ पैसे लेकर सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं जी। और खैर खैर छोड़िए, मैं तो आज पंचनामा में बोलने ही वाला हूँ कि मैं अब सरकार की खिलाफत करूंगा ही नहीं करूंगा। मैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की इतनी बड़ाई करने जा रहा हूँ कि शायद उनके प्रवक्ता और उनकी पार्टी के नेता जो पद प्राप्त करने के लिए करते हो वो भी उतना नहीं करते। लेकिन खैर अंदर की बातें तो हम दे ही सकते हैं जी। उसमें तो किसी की बड़ाई और बुराई नहीं हो रही है। कल कांग्रेस के कार्यक्रम में लालू यादव पहुंचे जी। मुझे इस बात की जानकारी कंफर्म नहीं थी कि किस कैपेसिटी में नीतीश कुमार को बुलाया गया या नहीं बुलाया गया जी। लेकिन अब मैं कंफर्म हूं, मुझे जानकारी मिल चुकी है कि नीतीश कुमार को न्योता दिया गया था। नीतीश कुमार ने खुद ही तय किया कि वो नहीं जाएंगे जी। मुझे लगता है बाबा, इसमें जब आज सुबह हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो आपसे मेरी चर्चा हो रही थी, मुझे लगता है कि आपका छुरी इसमें ज्यादा बेहतर है। आपने, मुझे लगा कि नीतीश कुमार नहीं गए, हो सकता है नीतीश कुमार को लगा हो कि भाई एक जातीय समूह का रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पे। कांग्रेस सवर्ण वोटों को इकट्ठा करने के लिए ही ना कार्यक्रम कल का कर रही थी जी। किसी नेता को इस जातीय समीकरण में बांधना उचित नहीं होता है। लेकिन नमन जी आपने आपने कहा कि मैं सवर्ण वोटरों को एक जगह एग्जिट करने की बात कांग्रेस सोच रही थी और इसी उद्देश्य से किया गया था, तो फिर लालू यादव की उपस्थिति वहां कहीं ना कहीं असमंजस कर सकती है। कल पंचनामा में मैंने ये बात कही है, मैंने कल पंचनामा में यही बात की, इसीलिए कल बहुत लोगों को दुख लग रहा था। मैंने कहा कि या तो लालू यादव झूठ बोल रहे थे जब सवर्णों पर ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का, सामंतवाद का आरोप लगाते थे, या आज सच में सामाजिक वैमनस्यता और जो जातिवाद है वो समाप्त हो गया, तभी तो लालू यादव ऐसे नेता जो मतलब माने जाते हैं एक बड़े समाज के रिप्रेजेंटेटिव, उनके उनको जब उनकी जयंती या उन्हें याद किया जा रहा है उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये क्या साबित करता है कि या तो लालू यादव ने माफ कर दिया, या लालू यादव भूल गए अपनी लड़ाई, या फिर लालू यादव की लड़ाई सफल हो गई। नमन जी जरा सा मैं आपको यहाँ रोकूंगा। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ये कैसा सवाल है जिसमें आप लगातार देख रहे हैं कि उसी लालू प्रसाद के खेमे से एक भी सवर्ण मंत्री नहीं है, जो थे उनको भी वापस कर लिया गया है और इसके लिए उन्होंने दोबारा नीतीश कुमार से आग्रह भी नहीं किया है कि मेरे खेमे से सवर्ण नहीं है, आप फिर से सफल कर लें। उस स्थिति में नहीं है कि वो आग्रह स्वीकार कर सके किसी का जी। नीतीश कुमार किसी के आग्रह का स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं जी। रही बात भाजपा की तो सवर्ण मंत्रियों की, राजद कोटे की, तो मुझे लगता है वो रणनीतिगत तरीके से किया गया है नीतीश के द्वारा जी, ताकि एक भी सवर्ण वोट उस तरफ ना जाए। तेजस्वी इसमें काफी सफल हो गए थे ए टू जेड को एग्जिट करने में। अब तेजस्वी इस बात का दम चुनाव में नहीं भर सकते हैं कि उन्होंने ए टू जेड को रिप्रेजेंटेशन दिया है। अब इसीलिए तेजस्वी यादव अपना देखिएगा एमओए समीकरण पर वापस पुनः मुस्कभव हो गए हैं। ऐसे में बिहार में कल नीतीश कुमार और का उस बड़े मंच पर नहीं उपस्थित होना, ये इस बात का इशारा भी है कि नीतीश कुमार कांग्रेस से अच्छे खासे नाराज हैं। उनकी नाराजगी है केवल एक कारण ही है कि नहीं है कि संयोजक नहीं बनाया, बल्कि सीटों को लेकर भी कोई बातचीत ठोस नहीं हो पा रही है। एनडीए में कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है सीटों को लेकर। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि सीटों को लेकर उनकी बातचीत लगभग हो चुकी है जी। सीटें नीतीश कुमार के वहां जाने पर ही इतर बितर होंगी, अन्यथा सब कुछ तय है जी। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में कुछ भी तय नहीं है। 2 महीने हो गए आखिरी बैठक किए हुए, आगे एक बैठक कब होगी इसको लेकर कोई प्रस्ताव भी नहीं है। नीतीश कुमार उस बैठक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसको लेकर बहुत बड़ा संशय है जी। मतलब स्पष्ट है कि नीतीश कुमार कांग्रेस के बीच बड़ी दरार खिंच गई है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में भी कांग्रेस को जो जगह मिली थी वो नहीं मिली जी। राहुल गांधी के आग्रह के बाद भी ये नहीं हुआ जी। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, उन्होंने गिदर धमकी दी उस पर भी नहीं कुछ सुने। निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपमानित करने का एक नीतीश कुमार ने मन बना लिया है और वो बदला ललन सिंह से भी लिया जा रहा है, परोक्ष रूप से तेजस्वी यादव से लिया जा रहा है। तो लालू यादव ने भी ये तय कर लिया कि जब लालू की राजनीति कमजोर हुई है तो लालू नीतीश के भरोसे आगे नहीं बढ़े बल्कि कांग्रेस के भरोसे बढ़े। उनके लिए कांग्रेस ज्यादा जरूरी है
एक लंबी लड़ाई है, अपने पुत्र को अगर वो मसाल थमा कर जाएंगे तो तेजस्वी आगे राजनीति कर पाएंगे। नीतीश की छत्रछाया में छोड़ देने पर नीतीश तेजस्वी की राजनीति को बची कुछ भी समाप्त कर देंगे। हालांकि मुझे लगता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव इस मामले पर विभाजित मत रखते हैं। मुझे ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि ये लड़ाई सब कुछ होने के बाद भी एक तरफा होती नजर आ रही है क्या? 2024 की लड़ाई की बात कर रहे हैं आप? जी, मुझे लगता है बाबा कि 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए एक बड़ी रणनीति और एक बड़ा हथियार विपक्ष के हाथ में नीतीश कुमार ने दे दिया था। जी, मुझे ये भी लगता है कि नीतीश कुमार के ऊपर अविश्वास की वजह से, या नीतीश कहीं बड़ी कुर्सी न मांग दे जी, इस डर से कांग्रेस नीतीश कुमार का हाथ खुलकर थाम नहीं पा रही है। और अगर आप डूब रहे हो और आप खुलकर हाथ नहीं थामिएगा किसी का, तो निश्चित तौर पर आप खुद भी डूबिएगा और उसे भी डुबाने की स्थिति में है। जी, ये नीतीश कुमार की रणनीतियों की वजह से हो रहा है। लेकिन नीतीश का राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है। आप आज नहीं तो कल आपको आपके किए हुए कर्मों का फल मिलता है। नीतीश ने जो बार बार पलटी मारी है, आज कहीं ना कहीं वही उनके माने विश्वसनीयता पर, एक्सेप्टेंस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन हाँ, इस बीच एक सुखद बात यह है इस इंडिया गठबंधन के लिए कि लालू यादव जैसे नेता ने नीतीश की गैरहाजिरी में ही उस मंच से एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि उनके संपर्क में कई आरएसएस और भाजपा के नेता हैं बड़े, जो बंद कमरों में उनसे ये दावा कर रहे हैं लालू यादव से कि उनकी स्थिति बहुत ठीक नहीं है भाजपा की। बिहार और बिहार जैसे राज्यों में एक सीट नहीं बचा पा रही है भाजपा। उन्होंने शब्दशः जो बात कही वो मैं बताता हूँ आपको। लालू यादव ने कहा कि पटना साहिब की सीट छोड़कर कोई भी सीट भाजपा बिहार में जीत नहीं रही है। ऐसा दावा भाजपा के बड़े नेता, आरएसएस से जुड़े हुए नेता ने लालू यादव से किया है। अभी कितना बड़ा खुलासा है, अब इसमें भी तो एक असमंजस हो गया ना जी, कि पटना साहिब के जो वर्तमान सांसद हैं वही उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये संशय पैदा हो रहा है। मारामारी चल रही है, कई लोग उम्मीदवार हो गए हैं, और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यदि ये कहें कि सिर्फ पटना साहिब की सीट जीतेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भी कंट्राडिक्शन पैदा करता है ना? जी, निश्चित तौर पर कंट्राडिक्शन भी पैदा करता है। और पिछली बार के चुनाव के रिजल्ट को देख कर लगता नहीं है कि लालू यादव का इतना बड़ा दावा सही होगा ही होगा। देखिए, लालू यादव पहले भी गलत रह चुके हैं, ऐसा नहीं कि लालू ने कह दिया तो हो ही जाएगा। लालू यादव 2014 में कह चुके थे कि मोदी नहीं जीतेंगे, जीते 19 में लालू यादव का कहना था कि मोदी उड़ जाएंगे, खुद ये लोग उड़ गए। राज्य का एक सांसद नहीं जीता, कांग्रेस ने इज्जत बचाई, नीतीश कुमार भाजपा के साथ 16 विधायक जीताकर ला दिए। अब की बार तो नीतीश कुमार की भी कहीं ना कहीं एक, एक, एक उनका भी लिटमस पेपर टेस्ट है। तो एट द एंड नमन जी, लगता है कि नीतीश कुमार के बिना इस इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती है जिस रूप में सोची जा रही है। बाबा, मैं आपके शब्द को फिर से रिफ्रेश करना चाहूंगा। नीतीश कुमार के बिना इस इंडिया गठबंधन की कल्पना इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि लग रहा है कि लगभग होगा ही होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होते ही सपा, ममता बनर्जी, केजरीवाल सरीके नेता अलग हो जाएंगे। ये नीतीश कुमार के हटते ही इस बात का इशारा समझेंगे कि ये कहीं नहीं जा रहा है। नीतीश काफी दूरदर्शी हैं इस मामले में। जी जी जी, आप देखिएगा बाबा, एक कहावत है, अभी कुछ दिन पहले मैं एक देखा था वेब सीरीज काला पानी। जी, पौंडिचेरी में जो वहाँ के नेटिव ट्राइब्स हैं जी, वो सुनामी से पहले गायब हो गए थे, कहीं दिखी नहीं थे किसी को जी, वो ऊंचे जगहों पर चले गए थे जी। उन्हें सुनामी के आने से पहले ही अंदाजा लग जाता है कि सुनामी आने वाली है। क्यों लगता है? क्योंकि उनका मानना है कि उनको नेचर खुद बताता है, प्रकृति उनको इशारा कर देता है। इसी तरीके से नीतीश कुमार बाकी चीजें तो नहीं जानते हैं, लेकिन खुद को सर्वाइव करने के रखना ये उनको अच्छी तरह से जानते हैं। और उनको देखकर ये बाकी दल भी इस गठबंधन में आए हैं, और उनके जाते ही ये सारे एक तरफ होते हुए भाग जाएंगे। जी जी जी, बहुत बड़ी बात आपने कही नमन जी। गेम समझिए, मैं हमने कोशिश किया कि उन बातों को स्थापित करें जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति और देश की राजनीति को प्रभावित करेगी। इस बीच में आपने देखा ही होगा किस तरह से लालू प्रसाद को बुला करके कांग्रेस काफी खुश हो रही थी,
श्री बाबू की जयंती में लालू प्रसाद ने भी खूब हुंकार भरा। लेकिन इसके साथ साथ एक तरफ जहां श्री बाबू की जयंती मनाई जा रही थी, नीतीश कुमार और अलग से अपना एक स्ट्रेटजी बना रहे थे और उन्होंने दूसरे लॉट का मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है और नीतीश कुमार ये समझ गए हैं कि ये इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे थे। और खास करके नीतीश कुमार के बिना, जैसा कि नमन जी ने बताया भी कि इस INDIA गठबंधन की कल्पना शायद बेमानी होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।